हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन पर। एक न्यू अपडेट लेकर हाजिर हूँ। एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जो वैकेंसी फिल की जा रही है मास्टर कैडर और ईटीटी की, उन दोनों ही वेबसाइट पर एक न्यू अपडेट आया है। तो न्यू अपडेट क्या है? न्यू अपडेट उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया है और फी पे नहीं की है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ उन्हीं वेबसाइट पर। तो मास्टर कैडर की वेबसाइट पर पहले चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, सर्कुलर है जो, इसमें यहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ है। ये नोटिस क्या है? सफिशियंट डे विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू डिपॉजिट फी व्हेन द बैंक विल बी ओपन फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस। यानी कि दोस्तों, आपको टाइम मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अभी तक फ़ी पे नहीं की है, तो उनको टाइम दिया जाएगा जब बैंक नॉर्मल ओपन होने लगेंगे। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मास्टर कैडर वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपको फ़ी के लिए एक अलग से टाइम दिया जाएगा, तो तब जाकर आप अपनी फ़ी पे कर सकते हो। अभी मैं आपको दूसरी वेबसाइट भी चेक करवा दूँ जो ईटीटी वाली है। तो ईटीटी वाली वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर ईटीटी वाली वेबसाइट आपकी ओपन हो चुकी है और यहाँ भी देखिए आप, जो इंस्ट्रक्शन या फिर सर्कुलर जो कॉलम बना हुआ है, इसमें ये यहाँ नोटिस लगा हुआ है, इसमें सेम वही बात लिखी है। सफिशियंट डे विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू डिपॉजिट फी व्हेन द बैंक विल बी ओपन फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक फ़ी पे नहीं की है बैंक बंद होने की वजह से, डोंट वरी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको टाइम दिया जाएगा। यानी कि जो फ़ी डिपॉजिट डेट है वो एक्सटेंड होगी, तो उस टाइम पीरियड में आप जाकर अपनी फ़ी पे कर सकते हो। तो जो मास्टर कैडर और ईटीटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। बट फिर भी दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आज और कल दो दिन में आप फ़ी पे कर सकते हो तो कर दीजिए, आपके लिए भी बेटर होगा। और अगर नहीं भी कर पाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अपडेट आ चुका है कि आपको टाइम बाद में दिया जाएगा फ़ी डिपॉजिट करने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल के नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।